तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो गाइस, लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोग लोन के लिए मतलब भाग रहे हैं, सर्च मार रहे हैं ऑनलाइन लोन यहाँ वहाँ, मतलब सर्च मार रहे हैं। तो गाइस, आपकी ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए आया हुआ हूँ, आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको लोन कैसे कैसे प्रोवाइड होगा, कितने इंटरेस्ट पे होगा और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगी, जिससे आपको जब आप कभी बैंक में जाओ तो वो तैयारी करके जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो को पूरा वॉच करना अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताते हुआ आया हूँ, पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था कि आपको लोन कैसे प्रोवाइड होगा, तो अगेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको मैंने फिर दोबारा लिख रखा था कि हर एक बैंक का है ना दोस्तों, इसमें तो इंटरेस्ट आपको पता है परसेंटेज में होता है, क्या पता मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए लिख रखा था कि आपको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HDFC पर्सनल लोन के बारे में, इसमें होम लोन भी बताऊंगा मैं आपको। तो HDFC पर्सनल लोन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपको HDFC लोन देगी वो देगी कितने इंटरेस्ट पे, 10.99% टू 19.50%, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी। जी हाँ, वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी सैलरी बेस डिपेंड करता है कि कितना कितना आपको मिलेगा। सैलरी मैक्सिमम जो HDFC के लिए होता है वो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार रुपये होता है, इतना अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कार्ड भी मिल जाएगा आपको और लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपका मैंने HDFC का बता दिया। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है 12% से लेकर 17% तक के इंटरेस्ट पर लोन देता है, पर्सनल लोन। ठीक, तो इसमें अगर आपकी सैलरी 30 to 35 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन मैं एंड में जरूर बता दूंगा, वो आप जरूर उसकी तैयारी कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस इतना हरासमेंट कर रही है बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस की भी हम बात कर लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट देता है, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस बैंक है, तो 15% से लेके 17% तक ये आपको देता है। फ्लूटोन इंडिया, मैंने सुना था कि यार ये तो कोटक में मर्ज हो गया, बट फिर भी आया हुआ है इसका, आप देख लेना इकोनॉमिक टाइम अगर देखते हो तो अपडेटेड है। तो आपको जो फ्लोटन इंडिया से लोन मिलेगा वो मिलेगा 21% to 32%। जी हाँ, कि 21% से लेकर 32% तक, क्योंकि ये भी एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक ही है, तो प्राइवेट फाइनेंस ज़्यादा ही लेते हैं। अब जैसे स्टेस्फिन है, वो पर डे का लेता है 5%, अगर आप उसमें भी लेते हो तो आपको, अगर आप ओवरड्यू करते हो तो कभी पर डे का 5% लेता है, वैसे उसका इंटरेस्ट भी होता है 10% से लेकर 24% तक, तो आप स्टेस्फिन में भी अप्लाई कर सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक, अब हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, कि जो कोटक है वो देता है 10.99% to 17.25%। जी हाँ, कि 10.99% से लेके 17.25% तक का ये कोटक महिंद्रा आपको लोन देता है। सैलरी की रिक्वायरमेंट यही पड़ती है आपकी 25 से 30 हज़ार रुपये। ठीक, अब इंडसइंड बैंक, अब इंडसइंड बैंक आपको कितने पे आपको लोन प्रोवाइड करता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो है 12.99% से लेके 20% तक का ये आपको इंटरेस्ट रेट देता है, इस पर आप लोन उठा सकते हो। ठीक, आईसीआईसी बैंक का यही है 11.59% से लेके 17.50% तक का, ये आपका हो गया पर्सनल लोन का। अब आप देख सकते हो कि आपको किससे लेना है, मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंटेशन एंड क्या क्या सैलरी, एंड में फिक्स बता दूंगा कितनी सैलरी वाले आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम होम लोन वाले की बात कर लेते हैं, ठीक, और बिजनेस लोन के लिए बात कर लेते हैं इन सब बैंकों के लिए। तो HDFC बैंक जो होम लोन देता है वो देता है 9.10% से लेकर 9.15% तक होम लोन। ठीक, ICICI बैंक 9.10% से लेकर 9.45% तक। ठीक, HSBC बैंक वो देता है 9.35% से लेकर 9.45% तक। PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो वो हो गया आपका 9.30% से लेकर 9.75% तक। अब एक्सिस बैंक वो देता है आपका 9.10% से लेकर 9.35% तक। अब SBI बैंक देता है, जो देता है 8.35% से लेकर 8.50% तक, सबसे कम है SBI का। ठीक, अब जो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बिजनेस लोन के बारे में। तो बिजनेस अगर आपका अच्छा खासा है तो आप उसके ऊपर भी लोन ले सकते हो, RTR चाहिए होता है यार। और अभी तो फिलहाल लेटेस्ट में ये चल रहा है कि लोन अगेंस्ट पॉलिसी, जो पॉलिसी में अगर आप ले रखे हो तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पॉलिसी में ही निकल रहा है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं जरा सैलरी और डॉक्यूमेंटेशन की। तो गाइज, आपको एक ID प्रूफ, जो कि आपको पता है आधार कार्ड, रेंट जो जहाँ पे आप रहते हो, एड्रेस ID प्रूफ, उसमें भी आधार कार्ड या आपका कोई सर्टिफिकेट हो वो चलेगा आपका, और आपका ये 6 महीने की सैलरी स्लिप,
मोस्टली बैंक जो अब ले रही है वो एक साल की ले रही है, 6 महीने की, क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया तो बीच में गड़बड़ी हो गई थी, अपडेटेड है तो 1 साल की आप मान के चलो। सैलरी आपकी होनी चाहिए 25 से 30 हज़ार, अप्लाई कर रहे हो तो 25 से 30 हज़ार वाली सैलरी होनी चाहिए। ठीक, अब आपका जो वेरिफिकेशन होगा कैसे कैसे होगा मैं बताता हूँ। पहले होगा आपका होम वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन, ये सैलरीड वालों के लिए बता रहा हूँ। और बिजनेस वालों के लिए आपका हो गया बिजनेस का, जो आप जहाँ पे आपका बिजनेस है आपकी कंपनी के नाम पे तो आपको लोन मिलता है ना। अब आपका हो गया हाउसिंग फाइनेंस का, वो आपके लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट भी लोन मिलती है, पैसा मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और एक आपका होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन वही है आपके जमीन के कागज। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।